हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीकॉम सिक्स सेमेस्टर के जो हमारे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बीकॉम सिक्स सेमेस्टर के अंदर और उनका सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले यदि सब्जेक्ट की बात करूँ कि हमारे जो सिक्स सेमेस्टर में हैं बीकॉम के सिक्स सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट विषय, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि विषय कौन कौन से हैं। विषय एक है हमारे पास, सबसे पहले है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है जो हमने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर इनकम टैक्स का पार्ट वन पढ़ा था और सिक्स सेमेस्टर के अंदर हमें इनकम टैक्स का पार्ट टू पढ़ने को मिलेगा, इनकम टैक्स पार्ट टू। इसके इन दोनों के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं बीकॉम सिक्स सेमेस्टर के अंदर सभी का सिलेबस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला सब्जेक्ट है सब्जेक्ट नंबर तीन, वो है हमें एक नया सब्जेक्ट मिलेगा फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस हमें एक नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह हमें एक और सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट, कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कि बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए जो आसपास का वातावरण है वो किस तरह का होना चाहिए, बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का वातावरण होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा एचआरएम, एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो पांच सब्जेक्ट है ये हमें फिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास तीन सब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट, तीनों में से हमें कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये पांच सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स का पार्ट टू पार्ट वन हमने फिफ्थ सेम के अंदर पढ़ लिया है, और जो तीसरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके अलावा जो हमारे पास तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि कुल छः सब्जेक्ट होते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में भी दोनों सेमेस्टर के अंदर छः सब्जेक्ट पढ़ा, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में है एक हमें देखने को मिलता है रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कॉरपोरेट गवर्नेंस, कौन सा देखने को मिलता है? कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस। और तीसरा हमें देखने को मिलता है वो है इंडस्ट्रियल लॉ, तो ये हमें तीन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं ऑप्शनल। पांच सब्जेक्ट वो थे और इन तीनों में से हमने एक सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में लेना है। चाहे आप रिटेल मैनेजमेंट को ले सकते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस ले सकते हैं और इंडस्ट्रियल लॉ भी आप लोग ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सब्जेक्ट जो बीकॉम सिक्स सेमेस्टर में हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस, सिलेबस के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। किसकी बात करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका हमें सब्जेक्ट सिलेबस देखने को सबसे पहले इसी के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो सब्जेक्ट का नाम ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका हमें मीनिंग करना है,
मीनिंग के अलावा इसका स्कोप क्या है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट्स, वेरियस कंसेप्ट हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें इसके जो फीचर्स हैं, टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स के अलावा डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स या सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस भी हम ऑब्जेक्टिव्स को बोल सकते हैं। डिफरेंस हमें करना होगा किस किस के बीच, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और दूसरा डिफरेंस हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग हमने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच डिफरेंस करना होगा, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच हमें डिफरेंस करना होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप, कंसेप्ट, फीचर्स, टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को हम सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमें डिफरेंस करना होगा किस किस का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ये अब इससे आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। और आप लोगों को पता है जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, और उसके अंदर से एक 15 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जो दूसरा चैप्टर है वो है मैनेजमेंट रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट। इसके अंदर हम लोगों को करना क्या होगा, मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले तो कि मैनेजमेंट रिपोर्ट होती क्या है, इसका मीनिंग, ठीक है, मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या होती है, मैनेजमेंट रिपोर्ट के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, मैनेजमेंट रिपोर्ट का मीनिंग, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट कितने प्रकार की हो सकती है, कि जो हम लोग ये रिपोर्ट तैयार करेंगे वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ से हमें लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, उसका कंसेप्ट हो गए, स्कोप हो गए, टेक्निक्स हो गए, सिग्निफिकेंस हो गए, डिफरेंस हो गए, सेकंड चैप्टर ये हो गया। और तीसरा चैप्टर है हमें देखने को मिलेगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट है उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, आगे भेजते हैं, वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमें तीसरा चैप्टर देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा कुछ हो रहा है, और क्या क्या है, इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका एनालिसिस करना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें देखने को मिलेगी, कॉमन साइज स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, रेशो एनालिसिस देखने को मिलेगा। रेशो एनालिसिस में क्या, लिक्विडिटी रेशो देखने को मिलेगी, सोलवेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, या ट्रेंड एनालिसिस भी हमको देखने को मिलेगा। अगला चैप्टर क्या है, सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। ये जो शायद हमें पूरा का पूरा चैप्टर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस का चैप्टर 12th क्लास में भी था, इसके अंदर हम लिक्विडिटी रेशो भी पढ़ेंगे, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी सोलवेंसी, टर्नओवर रेशो, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, ये कुछ हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और हैं, प्लस टू क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए हम लोग वन बाय वन करके इन चैप्टर्स को इसी यूट्यूब चैनल पे भी करेंगे, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, इनकी थ्योरी भी करेंगे, इनके नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने प्लस टू क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या था? कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगी, इनका मीनिंग क्या होगा ये भी हमें करना होगा, इनके कंसेप्ट क्या होंगे, मेथड्स क्या होंगे बनाने के, ठीक है। मीनिंग, मेथड्स, नीड, जरूरत क्यों पड़ी, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, मेथड्स, नीड, किस तरह से हम लोगों ने प्रिपेयर करे हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोगों को करने होंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ और जो सिलेबस है वो बस कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सिलेबस है, क्योंकि हमारे जो इवन सेमेस्टर के अभी आगे शायद जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी इन लोगों, इन सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं इनको प्रिपेयर करना होगा, ताकि हम आसानी से अच्छा स्कोर पेपर में हासिल कर सकें, और पूरा का पूरा वन बाय वन चैप्टर भी हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है अब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग हम लोगों ने फिफ्थ सेम में पढ़ा था, अब्जॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, क्या अब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, इसके अंदर हम लोगों को मीनिंग, मीनिंग तो देखो सभी जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग तो करना ही करना है, अगर पेपर में आए तो उसमें भी लिखना है मीनिंग इसका करना है, हमें फीचर्स करने हैं, इनकम डिटरमिनेशन, इनकम को निर्धारित किस तरह से किया जाता है, कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो अपने वर्कर्स की इनकम किस तरह से डिटरमाइन करती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट को किस तरह से एनालाइज किया जाएगा, कि कितना प्रॉफिट हुआ है, किस पार्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, किससे हमें लॉस हो रहा है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें और देखने को मिलेगा ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट एंड उसका एनालिसिस, ये थोड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है, इसको भी हम डिटेल में बिल्कुल, इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, जो इसकी थ्योरी होगी वो भी करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एंड इसका एनालिसिस, इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें इसको अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है।
इस चैप्टर के अंदर अब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी हमने फिफ्थ सेम में पढ़ा था, अब्जॉर्प्शन भी पढ़ा था, इनका मीनिंग करना है, इनके फीचर्स करने हैं, इनकम को किस तरह से निर्धारित किया जाएगा वर्कर्स की, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर उसको भी एनालाइज करना है, ब्रेक इवन पॉइंट उसका एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, क्या मिलेगा डिटरमिनेशन ऑफ इन डिफरेंस पॉइंट। यह था हमारा अगला चैप्टर। इसके अंदर हमें अब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, इनकम डिटरमिनेशन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड उसका एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एनालिसिस ऑफ इंसिडेंट्स, डिटरमिनेशन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल में जब आप लोग फर्स्ट सेम में थे, फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर के शायद फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में था, मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में आप लोगों ने बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके मेथड्स क्या है, टाइप्स ऑफ बजट्स क्या है, और एसेंशल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजटिंग एंड भाई स्पेलिंग पे मत जाना, बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर हम लोग इसका मीनिंग करेंगे, इसकी नीड, कंसेप्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट, एंड एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये हमें हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर हम लोगों को मीनिंग करना होगा इसका, मीनिंग, नीड्स, मेथड्स, टाइप्स ऑफ बजट्स, एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है, मेथड्स, मेथड्स क्या क्या है बजटिंग के एंड बजटरी कंट्रोल के, किस तरह से हम हमारे बजट को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में, तो जो कि अगली वीडियो कल मैं डाल दूंगा, और वन बाय वन करके जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सभी का सिलेबस की वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।